महोदय, दुनिया में अनंत रहस्य हैं। आदमी अनंत को क्या समझे, अपने रहस्य को भी समझ ले तो भी पर्याप्त है। यह आदमी अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा है। कहते हैं दुनिया में अमृत होता है। अमृत का अर्थ ऐसे पदार्थ से जुड़ा हुआ है जिसके खाने से आदमी मरे नहीं, अमर बन जाए। अमृत फल, अमृत बेल जैसे अनेक शब्द प्रयोग चलते हैं, पर हमारी जानकारी में ऐसा कोई पदार्थ नहीं आया जो आदमी को अमर बना दे। हाँ, ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो मनुष्य के लिए स्वास्थ्यकारी हैं। वे मनुष्य के तन मन को स्वस्थ एवं सक्रिय रख सकते हैं, पर ऐसा कोई पदार्थ देखने में नहीं आया जो आदमी को अमरता प्रदान कर दे। हाँ, ऐसे अनेक पदार्थ हमारी जानकारी में हैं जो तत्काल आदमी को मौत के घाट उतार दें। ऐसा साइनाइड विष भी सुनने में आया है जो ताली बजने जितने समय में हाथी जैसे भीमकाय प्राणी को भी मौत के मुख में धकेल देता है। ऐसे अनेक जहर हैं कि उन्हें खाने के बाद आदमी उनके स्वाद के बारे में बताने तक के लिए भी जिंदा नहीं रह सका, तत्काल उसकी मौत हो जाती है। कुछ जहर इतने तीव्र तो नहीं होते, पर धीरे धीरे आदमी को मौत के कगार तक पहुंचा देते हैं। वे जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं बल्कि हानिकारक हैं, फिर भी आदमी उनका सेवन करता है। हाँ, अज्ञानी प्राणी ऐसा करे तो समझ में आ सकता है, पर अज्ञानी प्राणी भी यह जानते हैं जो चीज़ उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होती वे उसे नहीं खाते। विवशता में खाना पड़े वह अलग बात है, फिर भी पशु अज्ञानी है। आदमी के पास अपना भला बुरा सोचने का मस्तिष्क है, इसके बावजूद वह यदि अज्ञानी बनता है, जहर खाता है, तो उससे बढ़कर नादान कौन हो सकता है। जहर के अनेक रूप हैं, पर नशा तो उसका स्पष्ट दिखता हुआ रूप है। नशे की शुरुआत कुसंगति, कौतूहल या फैशन के रूप में होती है। धूम्रपान उस मंजिल की ओर उठा हुआ पहला कदम है। धूम्रपान करना बच्चा या तो अपने परिवार से सीखता है या पास पड़ोस और मित्रों से। शुरू शुरू में इससे थोड़ी स्फूर्ति अनुभव होती है, पर धीरे धीरे वह स्फूर्ति आदत बन जाती है। फिर आगे चलकर गाड़ी धूम्रपान तक ही नहीं रुकती। हमने धर्म निरपेक्षता का कार्यक्रम चुना है क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं। इनमें मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और अन्य अनेक लोग हैं जिनमें प्रायः विश्व के सभी धर्मों के
अनुयायी हैं।